देखिए कैसा है, हम लोग बेसिकली रेस्टोरेंट और वाइन शॉप्स और इसमें दारू के लेकर के बिजनेस में हम लोग डील करते हैं और हमारे 40 साल से यही बिजनेस में हम लोग है। हमने ऐसी बुरी स्थिति आज तक कभी नहीं देखी जो ये पैनाडेमिक की वजह से जो इतना सब जगह आकर जो मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात इस चीज को लेके गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है वो अपने तरीके से कर ही रही है, पर उसमें और कुछ आगे बढ़ के उनको करने की जरूरत है। जैसे अभी हम लोग जैसे वाइन शॉप हो गए या बार हो गए, उनकी लाइसेंस फीस है। अभी कई लोग ऐसे जो किराए की जगह लेके या उसको लेके चलाते हैं, जिनका खुद की जगह नहीं है और किराए की जगह लेके चला रहे, उनके लिए सर्वाइव करना आज की तारीख में मुश्किल है। क्योंकि लास्ट 6 महीने का उनको किराया देना है, उसके बाद आगे और 6 महीने सर्वाइव करने, उसके बाद बिजनेस वैसा मिलेगा, ये जरूरी नहीं है कि सेम वैसा बिजनेस मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के नाम से कि भी ऐसे जो हम लोग सुन रहे कि 50% कैपेसिटी के साथ तुम चलाओ, या जैसे भी होटल वालों को दिया 33% के हिसाब से चलाओ, वो उनने चलाने की वजह से बोलने की वजह से, उनका बोलना उनके जगह पे सही है क्योंकि वो ये पैनाडेमिक को रोकने के लिए कोशिश कर रहे, पर 33% या 50% में चला के वो रेस्टोरेंट को या चीजों को सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि आज फीस का। इसके लिए हमारे एक ही गुजारिश है सरकार से कि भाई इन लोगों ने पैकेज देने को ना हर चीज को, जैसा अगर फीस का स्ट्रक्चर है तो फीस के स्ट्रक्चर में कुछ पैकेज देने को ना, ताकि जिससे व्यापारी लोगों को थोड़ी सी उसके रूप में सहूलियत मिले और वो सहूलियत मिलेगी तो वो आगे चलेंगे। तो कई लोग आज ऐसे मैंने जो देखा हूं, जो नागपुर शहर में बोलो या महाराष्ट्र के अंदर में ऐसा हाल है कि 40-50% लोग अपना बार का व्यवसाय बंद करने के मूड में, कि उनका बोलना है कि हम 1 साल के लिए क्यों चलाएं। ऐसा है, कंपनी एक बार माल सप्लाई कर देती है, उसके बाद उसका जैसे बियर में ज्यादा करके तकलीफ जाती है, और बियर का स्टॉक हर दुकान में हर वाइन शॉप में या बार में रहता ही है। अब ये बोलते हैं पार्सल बेचो, पार्सल बेचना और काउंटर सेल में जमीन आसमान का फर्क है। और आज लोगों के पास पैसे की, खाने पीने की इतनी तकलीफ जा रही है, तो दारू खरीदने के लिए या पार्सल ले जाने के लिए उतनी पैसे की सोई नहीं उनके पास। अब इसको काउंटर सेल चालू करने के बाद अगर उन्होंने काउंटर सेल चालू किया तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो भी उसमें एक आ सकता है, पर ये याला जो सेल बोल रहे हैं लोग, जो हाउस तुम्हारे को डिलीवर करना है, उसमें प्रॉब्लम ऐसे जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास वो ऐप नहीं है या उसके पास उनके लाइसेंस नहीं है या कभी उनके पास बहुत सारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो उसको फेस करते हुए कई लोग खरीद नहीं पा रहे। अच्छा, उसके वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग को इसकी समझ है या जो चीज कर रहे हैं, आज जैसे टाइमिंग के लिए भी उन्होंने डाला है, ठीक है उनका पैनाडेमिक है उसकी वजह से, पर जो बुटलीगिंग के जो धंधे हो रहे हैं आज, अगर जिसको जरूरत है जिसको शाम के पीने का, क्योंकि आपने सुबह 6 से चालू किया शाम को 5-6 बजे बंद कर दिया, 6 बजे बंद कर दे रहे, 6 बजे के बाद से लेकर दूसरे दिन सुबह तक जिसको या रात तक 12 बजे तक जिसको दारू चाहिए वो उसको ऊंचा दाम देके, कोई लोग स्टॉक कर लेते हैं एरिया वाइज सब अपने अपने रखते हैं, और ये ऐसे ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। मेरा बोलना ऐसा है कि अगर समय अवधि बढ़ाते हैं, देखिए बाहर का रेस्टोरेंट और बाहर का जो धंधा है, जैसा पिछले बार भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से सुबह 9 से रात के 9 बजे तक का टाइम दिया था, और उन लोग ने जैसा बार के लिए सुबह 11 से रात के 9 बजे तक का दिया था। बार और रेस्टोरेंट जितने भी है उनका धंधे का टाइम है 7 से 11, जब तक 11 बजे का टाइम नहीं करेंगे, 9 बजे आप मेरे को बताओ, 9 बजे का आपका कर्फ्यू है, 9 बजे के बाद आपका कर्फ्यू है, तो 9 बजे अगर रेस्टोरेंट बंद करके निकलेगा तो कोई भी आदमी जिसके भी बिजनेस, जो छोटे मोटे दुकान वाले या व्यापारी या जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने घर जाएंगे, वापस बार के लिए निकलेंगे या रेस्टोरेंट के लिए जाएंगे, तो उनको पहुंचते पहुंचते 9 बजे से, तो एटलीस्ट 2 घंटे का और ग्रेस टाइम, यानी चालू करना चाहिए तो 11 बजे तक कम से कम देना चाहिए। और अगर आप उसके अंदर 33% या 50% का ये डालते नॉर्म डालते कि 50% की कैपेसिटी के साथ ही आप चलाओ, तो एटलीस्ट कुछ एक पैकेज देना चाहिए गवर्नमेंट ने कि भैया ये बार वालों का फीस, अब फीस है जो फीस तो हम लोग ने पूरा भर चुके हैं, पूरे फीस भरने के बाद भी हम चाहते हैं कि भैया जैसे 6 महीने की फीस है जो अभी तक चला ही नहीं है बिजनेस, वो 6 महीने की फीस को माफ करना चाहिए, और वो माफ करने तब जाके शायद हो सकता है कि जो लोग अभी जैसे एक सिस्टम है एक्साइज के अंदर कि अगर आपको कस्टडी करके रखना है कुछ एक नॉमिनल फीस भर के कस्टडी, कई लोग बार वाले अभी ये चाहते हैं कि हम कस्टडी में डाल दें ताकि हमको ये साल भर की फीस ना लगे, हम नेक्स्ट ईयर जब ये पैनाडेमिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम चालू करेंगे। व्यापारी जिसका लाइसेंस काम है, जिसका लाइसेंस का जो से धंधा करता है, वो व्यापारी कभी ऐसी कोई हरकत करता नहीं, क्योंकि मैं खुद भी करता हूं, मैं भी एक एक्साइज के अंदर में बॉन्डेड हूं, मैं अगर आज एक छोटा से ये थोड़े से पैसे के लिए अगर ये करूंगा तो मेरे सालों की प्रतिष्ठा दांव पे लगती है, तो ये व्यापारी लोग नहीं करते। हाँ, पर जिन लोगों के पास जैसे भी जिनको समझ गया है इस चीज को कैसा करना है, वो लोग
होते हैं। मैं आपको अभी पहले भी बोला कि बूटलीगिंग के काम होते हैं। बूटलीगर लोग क्या करते हैं, थोड़ा 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 स्टॉक करके दिन भर में जमा करते हैं, वो एक लाइसेंस दे दे के अपने वो लीगली मंगा रहे, पर वो बेचते शाम को 6 बजे का जब तुम्हारी दुकानें बंद हो जाती, तो उसमें वो ऊपर में बेच रहे, उसके वो बेचने की वजह से लोगों को लगता कि भाई ये व्यापारी लोग कर रहे, पर व्यापारी लोग इस सब चीजों में पढ़ते नहीं। ये जैसा अभी जो बार एंड रेस्टोरेंट के अंदर एक सिस्टम है कि भाई अगर आप बार एंड रेस्टोरेंट से अगर पार्सल भी बेचते हैं तो 5% का वैट लगता है। हमने इसके लिए भी बहुत बार कोशिश किया है, हमारे एसोसिएशन ने भी बहुत कोशिश की कि ये 5% माफ किया जाए, ताकि हम लोग जो माल, क्योंकि उसमें मार्जिन ही 5 से 8% की मार्जिन रहती है, 5% वो दे देंगे, फीस का पैसा हमको निकालना है। ये सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ही इसको 5% का रिलैक्सेशन देने को ना, ऐसा हमारी मान। नया स्टॉक देखिए, जिनके जिनके पास अगर सेल है, मेरे को नहीं लगता कि कोई जिसको भी अभी नया स्टॉक लेने की परमिशन जो मिल भी गई है, क्योंकि लेना और 5% वैट भर के उसको बेचना, वो और बेचना एमआरपी पे है, एमआरपी के ऊपर हम बेच नहीं सकते, ये उनका रूल है। राज्य उत्पादन शुल्क ने ऐसा दिया कि एमआरपी के ऊपर तुम होम डिलीवरी नहीं कर सकते, हम एमआरपी के ऊपर देंगे। अगर मैं अगर बार चलाता हूं तो मैं बार में लेके उसको क्यों करूंगा। ऐसे जो है जितने व्यापारी है वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके पास जो एक्सपायरी के जो खत्म होने के पहले अगर उनका माल निकल जाता है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो माल पहले निकल जाए, फिर भले फिर वो एक्स्ट्रा वापस से जो परचेस करने की जो इन्होंने भी नई स्कीम डाले है, वो मेरे को नहीं लगता कि इतने जल्दी वो लोग वापस परचेस करें, क्योंकि 40 से 50% लोग चाहते हैं कि हम कस्टडी में डाल के हमारा बार को रख दे और हम सीधा नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2021 से चालू करें। यहाँ जिलाधिकारी को यहाँ निवेदन दिया गया, निवेदन वो आगे फॉरवर्ड होता है कमिश्नर साहब को, वहाँ बॉम्बे में कमिश्नर साहब, मंत्री जी, डिपार्टमेंट के मंत्री जी, ये सब बैठ के उसके ऊपर चर्चा करके वो सब होगा, तब हमको पता चलेगा कि क्या इसमें हो सकता कि नहीं हो सकता। निवेदन तो हमने ऑलरेडी कर चुका है, वैसी बॉम्बे के हार वालों ने भी निवेदन कर चुके हैं, वैसी हर एसोसिएशन कोशिश कर रहा है कि सबको समझाए और समझा के ये जो परिस्थिति है इसको अवगत कराया जाए।